महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार शिव भक्त ऋषि मृकंडु ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषि मृकंडु को इच्छा अनुसार संतान प्राप्त होने का वर तो दिया, परंतु शिव जी ने ऋषि मृकंडु को बताया कि यह पुत्र अल्पायु होगा। कुछ समय बाद ऋषि मृकंडु को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऋषियों ने बताया कि इस संतान की उम्र केवल 16 वर्ष की होगी। यह सुनते ही ऋषि मृकंडु विषाद से घिर गए। यह सब देख जब उनकी पत्नी ने उनके दुख का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई। तब उनकी पत्नी ने कहा कि यदि शिव जी की कृपा होगी तो यह विधान भी वे टाल देंगे। ऋषि ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा और उन्हें शिव मंत्र भी दिया। मार्कंडेय शिव भक्ति में लीन रहते थे। जब समय निकट आया तो ऋषि मृकंडु ने पुत्र की अल्पायु की बात पुत्र मार्कंडेय को बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि शिव जी चाहेंगे तो वे इसे टाल देंगे। माता पिता के दुख को दूर करने के लिए मार्कंडेय जी ने शिव जी से दीर्घायु का वरदान पाने के लिए शिव जी की आराधना शुरू कर दी। मार्कंडेय जी ने दीर्घायु के वरदान की प्राप्ति हेतु शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। समय पूरा होने पर मार्कंडेय जी के प्राण लेने के लिए यमदूत आए, परंतु उन्हें शिव जी की तपस्या में लीन देखकर उन्होंने यमराज के पास जाकर पूरी बात बताई। तब मार्कंडेय जी के प्राण लेने के लिए स्वयं यमराज आए। यमराज ने जब अपना पाश मार्कंडेय जी पर डाला तो बालक मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए। ऐसे में पाश गलती से शिवलिंग पर जा गिरा। यमराज की आक्रमकता पर शिव जी बहुत क्रोधित हुए और यमराज से मार्कंडेय की रक्षा के लिए भगवान शिव प्रकट हुए। इस पर यमराज ने विधि के नियम की याद दिलाई। तब शिव जी ने मार्कंडेय जी को दीर्घायु का वरदान देकर विधान ही बदल दिया। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।